एक आंख दो महीने पहले चली गई और फिर दूसरी आंख अब गई 8 दिन पहले। अच्छा, एक आंख की जो रोशनी थी वो 2 महीने पहले चली गई और जब दूसरी आंख की चली गई वो अब। बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा आपको? परछाई आ रही है, फिर भी मतलब कितने परसेंट में आपको दिख रहा हूँ? 10% या 2%, 100 में से जी कितना से दिख रहा हूँ बस मैं? उंगली फिंगर नजर नहीं आ रही आपको? परछाई दिखती है बस। तो भाभी अचानक से हुआ कैसे? घर पे क्या कर रहे थे उस टाइम जब ये घटना घटी है? कुछ भी नहीं, मैं तो बीमार थी। अच्छा, बस ऐसे ही सुबह के टाइम मुझे कितना मरीज हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य। दोस्तों इस टाइम आपकी ज़रूरत पड़ गई है और इस मदद के लिए आप सब आगे बढ़े। आपको पूरी स्टोरी बता देता हूं। मैं अभी हॉस्पिटल में हूं और जब मेरे को जानकारी मिली कि सनी भाई आपका नंबर हमें आपके टीम में जो हेमंत नाम की रिश्तेदारी में कहीं से प्राप्त हुआ है और आपको प्लीज़ एम्स हॉस्पिटल आना पड़ेगा, और मेरी वाइफ इस टाइम बहुत परेशान है और एक तरीके से पूरा टूट गई है। जब मैंने उनसे दिक्कत पूछी तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ की आंखों की रोशनी चली गई है अचानक से, मतलब कोई घटना नहीं घटी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, अचानक से आंखों की रोशनी चली गई है और मैं अभी एम्स हॉस्पिटल में बैठा हूँ। मेरे साथ जो लेडी एडमिट है उनके हस्बैंड साथ बैठे हुए हैं। मोटा मोटा उनको फाइनेंशियली दिक्कत आ गई है और मैं उनका पेटीएम नंबर ही मैंशन करूँगा, फ़ोनपे नंबर मैंशन करूँगा, जो आपसे मदद हो सके 1 रुपये की 2 रुपये की ज़रूर करना आप। अचानक से उनकी वाइफ की आंखों की रोशनी चली गई, भाभी से ही बात करने चलेंगे अंदर कि क्या कितने मतलब कितना ज़्यादा उनको परेशान तो मतलब दुख तो बहुत बड़ा है कि वो अचानक से आँख बंदा ना देख पाए और अंधेरा आ छा जाए तो दुख तो बहुत बड़ा होता है। किस किस हालात में होंगी, कैसे होंगी, उनसे ही बात करने चलेंगे और यहाँ के स्टाफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि बात करने दी जाए, कैसे परमिशन भी होती। मैं इनके हस्बैंड से बात करता हूँ, मेरे साथ जितेंद्र जी बैठे हैं। सर नमस्ते। अचानक से क्या हुआ मतलब अचानक से दोनों आंखों की रोशनी चली गई? आज नहीं, एक पहले चली गई थी, 2 महीने पहले जी। एक अभी 8 दिन पहले चली गई। एक 2 महीने पहले चली गई थी, एक 8 दिन पहले चली गई। तो अभी तुरंत फिर क्या मतलब जैसे भाभी उठी या कहीं चलते चलते रोशनी चली गई या कैसे? पहले वाली तो ऐसी चली गई थी कि पता नहीं चला एकदम कैसे क्या हुआ। अच्छा, अब दूसरी वाली गई है जी 8 दिन पहले आपका धुंधलापन छाया जी। तो पहले तो आंखों में दर्द हो रहा था जी, मैं डॉक्टर के ले गया जी। तो डॉक्टर वो दवाई डालते हैं जी, तो उससे आंखें थोड़ी धुंधली हो जाती है जी। एक दिन पूरे दिन धुंधला सा दिखता जी। तो हम ये सोच रहे कि शायद वो धुंधला बने। ठीक है, तो डॉक्टर मिला नहीं। ठीक है, मंडे के बाद गंभीरता से नहीं लिया हमने, सोचा कि मतलब कोई दवाई से उठाया समझ गया, पहले इतनी टेंशन नहीं थी हालात में। ठीक है, तो इधर पे चलो यार संडे जी, डॉक्टर मिलने के लिए मंडे को फिर हम सवेरे पहुंचे। डॉक्टर ने बता दिया नहीं दवाई का कोई असर नहीं, दवाई का असर तो खत्म हो चुका। जैसे ये पहले गई है ऐसी ये दूसरी वाली का भी प्रॉब्लम है। आप एम्स ऑल इंडिया में दिखा रहे हो? आप नहीं दिखाओ, एम्स के अंदर दिखा लो। ऑल इंडिया बोलते हैं भैया, बता रहे हैं एक रोशनी पहले चली गई थी और दूसरी रोशनी अब चली गई है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे को, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को याद करें, दिन रात याद करें और दिल्ली में जहाँ भी मैं रहता हूँ उसके आसपास कहीं पर भी किसी को ज़रूरत पड़ती है कि सनी भाई एक बार आ जाओ वीडियो बना दो, तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी है, प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि उन लोगों तक वीडियो जा सके जो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको कोई नहीं मिलता, आस पड़ोस में कोई मदद नहीं करता, परिवार मदद नहीं करता। तो जिससे कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को देखें और जैसे मैं आज भाभी जी की मदद करने आया हूँ, उनकी वाइफ की मदद करने आया हूँ, ऐसे ही मैं बाकी लोगों की मदद भी कर सकूँ। मेरे चैनल को जितना हो सकता है शेयर करना आप, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे से जुड़े, उनकी मदद हो सके, क्योंकि इतने सारे लाखों लोग जुड़े हैं मेरे साथ, फेसबुक पे इतने लाखों लोग हैं, मेरे चैनल पे इतने लाखों लोग हैं। अगर आप 1-1 रुपये भी देंगे तब भी इनकी मदद हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इनको फाइनेंशियली कितनी दिक्कत आ रही है और डॉक्टरों ने क्या अमाउंट इनको बताया, इलाज कब है, कैसे है भैया, कितने पैसे डॉक्टरों ने बताए इलाज के, एग्जैक्ट बताना जो डॉक्टर ने बात रखी है। डॉक्टरों ने तो जी 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच का खर्चा अंदाजा बताया। अच्छा,
और टेस्ट वगैरह जो है वो अलग है जो भी हो रहे हैं। ठीक है हाँ बाकी हाँ, और तुम्हारा कौन सी होती है एक मशीन है उसमें खून सफाई होती है। अच्छा हाँ वो खून साफ 5 बार होगा। ठीक है 10 दिन के लिए इन्होंने हमें रोका है कि 10 दिन में उसकी खून की सफाई होगी। ठीक है मशीन से। ठीक हाँ तो दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिकली आना है देखना है इनसे मिलना है तो आप एम्स हॉस्पिटल आ जाइए। ये नंबर नीचे सर का ये आ रहा, मैं सर का नंबर मेंशन कर दूंगा। पेटीएम नंबर ये आ रहा, फोन पे नंबर ये आ रहा, सर के नाम से ही है। 1 रुपये का डोनेशन, 2 रुपये का डोनेशन, 3 रुपये का डोनेशन, इतने लाखों लोग हैं, दिल खोल के करना। और एक बार नहीं करना, मैं हमेशा आपको कोई मेरे को दूसरा बंदा याद करेगा, कोई तीसरा बंदा याद करेगा। पहले तो मैं भगवान से ये दुआ करूँगा, कोई किसी को दुख ना पहुँचे, कोई याद भी करता है, किसी को हॉस्पिटल में पैसे बहुत मोटे की जरूरत पड़ती है तो आपके भाई का चैनल ये है, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार में बोलिए। कभी भी किसी भी टाइम जरूरत पड़ सकती है आपको, और मेरे को मेल करिए, ये मेरी मेल आईडी आ रही है। दिल्ली में ज़्यादा लोगों की एक साथ मदद नहीं कर पाऊँगा, आप ये समझ सकते हैं, अकेला हूँ, टीम में 3-4 लोग हैं, जितना मेरे से हो पाएगा उतनी मदद कर पाऊँगा मैं। और जो भी पेशेंट होगा उसी का फ़ोन पे नंबर पेटीएम नंबर मेंशन किया जाएगा। आपके पास अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है या कुछ था या उसके नौकरी जो अभी करते थे या उसमें कोई दिक्कत आ गई, थोड़ा जनता को बताओ। नहीं जी नौकरी नहीं, मेरा काम डेकोरेशन का था जी। 3 साल से मैं डेकोरेशन का काम बंद है कोरोना के उससे जी। मैं 1 साल जाकर हरिद्वार भी रहा है जी, पूरे साल घर ही रहा जी, कोई जानने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। काम बंद हो गया आपका? हाँ बिल्कुल काम बंद कोरोना काल में। हाँ जी मैं शोभा यात्रा कोई सी नहीं। कुछ अमाउंट है आपके पास या बिल्कुल भी नहीं है? नहीं जी अब है मेरे पे। कितने पैसे आपके पास है? मेरे पास 10-15 हज़ार हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर ने मांगे वो पैसे नहीं है? नहीं पैसे तो ये भी मुझे मेरी हेल्थ ही हुई है, बाकी पैसे तो मेरे बिल्कुल नहीं है। घर अपना है आपका? जी नहीं किराए किराए पे। ठीक है दोस्तों सारी जानकारी आपको दे दिए, बाकी मदद करना आप आपके हाथ में। अभी चलते हैं भाभी के पास बात करने के लिए, देखते हैं वो बात करने की हिम्मत में है या नहीं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं अभी? रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं है? रिलैक्स तो जब मैं कुछ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं आता है, बस परछाई सी आती है। परछाई आ रही है? ब्लैक परछाई है। फिर भी मतलब कितने परसेंट में आपको दिख रहा हूँ? 10% या 2%, 100 में से जी कितना ऐसा दिख रहा हूँ बस मैं, मतलब एक बंदा काला जी। अच्छा हाथ दिखा, ये उंगली फिंगर नजर नहीं आ रही आपको? परछाई दिखती है बस। तो भाभी अचानक से हुआ कैसे, घर पे क्या कर रहे थे उस टाइम जब ये घटना घटी है? कुछ भी नहीं, मैं तो बीमार थी। अच्छा बस ऐसे ही सुबह के टाइम मुझे दिखना बंद हो गया। मतलब आप बीमार थे क्या, बुखार था आपको? उल्टी चक्कर आ रहे थे, सो गए आप दवाई खा के? और ऐसा कुछ नहीं, कई दिन से थे उल्टी चक्कर। अच्छा तो सुबह आप जब उठे आपसे दिखा नहीं, मैंने दूध खा लिया, मैंने हो जाता है कभी कभी। हाँ सुबह उठे तो अंधेरा आपके सामने था। एक आँख 2 महीने पहले चली गई और फिर दूसरी आँख अब 8 दिन पहले। अच्छा एक आँख की जो रोशनी थी वो 2 महीने पहले चली गई और जब दूसरी आँख की चली गई वो अब दिखाई दिया ना, तो जी। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया जी। देखो भाभी मैं तो इतना ही बोलूंगा, हौसला बना के रखो आप। आप अगर हार मान गए तो भैया वैसे टूट जाएंगे। आप इतना इतना हिम्मत रखो कि माता रानी इतना तगड़ा चमत्कार करेगी मैं आपको बता नहीं सकता। डॉक्टरों ने भैया क्या बोला, कुछ बातें बताओ, मतलब मोटा मोटा कोई हौसला बढ़ाया डॉक्टरों ने कि मतलब हो जाएगा? हाँ जी ये कि जी यहाँ से एक आँख तो सही करके भेजेंगे आपके, 10 दिन में आपकी एक आँख तो हम। बहुत बड़ी कृपा है सर। देखो भाभी भाभी एक और रोशनी एक आँख की आ गई तो समझो दूसरी की भी आ जाएगी। हाँ। बिल्कुल भी चिंता ना करो आप।
पहले कभी ऐसा नहीं हुआ भैया? फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा? हाँ जी पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोई चश्मा नहीं, कुछ नहीं। अचानक से मतलब वोमिटिंग चालू हुई, बीमार हुए, फिर आँख की रोशनी चली गई। और डॉक्टर ने क्या बताया भैया? बस यही बताया जी, आपकी नस सूख गई है। आँख की नस सूख गई है। कोई चिंता ना करो, ये वाली तो उन्होंने कहा है हम आपको सही करके भेजेंगे। भैया एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करना भाभी के बाद इतना कॉमेडी बातें कर सको, हंसा सको, पूरी जान लगा देना। क्योंकि मैं आपसे मिला हूँ, बहुत हसमुख इंसान है आप, तो भाभी का हौसला आपने बढ़ाना है। बच्चे भी आपके? हाँ जी। कितने हैं? तीन बच्चे। दोनों तीनों छोटे हैं? नहीं जी, एक की तो शादी कर दी मैंने। एक की शादी होगी भाभी? दो, एक बीए में है जी, एक टेंथ में है बेटा। अच्छा, दो बेटी। जैसे अब आपको ये जो मेरा हाथ है इधर, ये दिख रहा है आपको? देखना किस तरफ है हाथ, देखो एक बार। बिल्कुल नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अब देखो एक बार मेरा हाथ। नहीं दिख रहा हाथ, थोड़ा सा पास ला रहा हूँ, देखो एक बार नजर मारो। आया समझ गया, मतलब ये भैया देखो मेरा तो दिल कह रहा है, परछाई दिख रही है। हाँ जी 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 हाँ, मेरा तो दिल कह रहा भैया, भाभी की भी रोशनी है, वो बरकरार डॉक्टर रखेंगे, बस दवाइयाँ फॉलो करते रहो, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है अमाउंट वगैरह की, वो जनता बैठी है, वो करवा दूंगा, चिंता ना करो, बिल्कुल भी चिंता ना करो। बिल्कुल चिंता ना करो भाभी, परमात्मा ने कैसे ना कैसे करके भेजा, इनसे संपर्क करवाया, बिल्कुल बेचिंत हो जाओ आप। मेरी जनता इतनी है कि आपका इलाज भी अच्छा होगा, आप ठीक भी हो जाओगे, आप देख भी सकोगे। और भाभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, प्रॉमिस करो। जी जी जी, मेरा नंबर इनको जो मेरी टीम में हेमंत है ना, उनकी रिश्तेदारी में कोई उनकी मामी है, उन्होंने इनको नंबर दिया है कि सनी जी से संपर्क कर लो। निधि, निधि करके हैं, निधि मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने नंबर दिया भाभी। ये वीडियो भाभी कल डल जाएगी, बचपन की सहेली है भैया, तो ये सहेली आपके आज भगवान के रूप में सामने आई है, मैं नहीं आया। हम बस, हमारा पांच सहेलियों का ग्रुप है जी, सब लगी पड़ी है मेरे लिए। आप चिंता ना करो, 48 घंटे बाद। आज क्या तारीख है भैया? आज है जी पाँच, पाँच छः को वीडियो डल जाएगी, 7-8 तारीख को जनता जी जान से। भाभी मैं चलता हूँ, आप बिल्कुल मतलब भगवान का नाम जपते रहो, और कुछ नहीं रोना नहीं है, चिंता नहीं करने, रोने को तो बिल्कुल मना कर रखा है, बस 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 रोना नहीं है, नहीं तो सिर्फ जो आप बता रहे नसें सूखी हुई है तो और दिक्कत होगी उसको। तो ठीक है भाभी, जय माता दी, चिंता ना करो आप। 3-4 दिन में देखना भगवान के रूप में डॉक्टर साहब सामने आएंगे, और मेरे जो जनता है वो डोनेशन अच्छा खासा दे देगी भैया को, चिंता ना करो आप। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच। तो ठीक है दोस्तों, सर की मदद करिए जितना हो सकता है आपसे, ये वीडियो मैं 5 तारीख या 6 तारीख को अपलोड कर दूंगा शाम के टाइम, जितना हो सकता है आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबको शेयर करिए, सबको टैग करिए, हर एक बंदा डोनेशन देगा। और भाभी जी की आपने देखा, मतलब अभी भी कितनी हिम्मत बना के बैठी है, कितना हौसला बना के बैठी है, ये तो बंदा टूट जाता है, रो पड़ता है, परेशान हो जाता है, झुक जाता है कि नहीं भाई मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ के अंदर, तो वो बहुत हिम्मत बना के बैठी हुई है, हौसला डॉक्टरों ने बढ़ाया हुआ है, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं एक रूप। और भैया ने बताया दिया कि डॉक्टरों ने जुबान भी दी है कि एक आँख की रोशनी आ जाएगी, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, योगदान दें, मदद करें। जय माता दी।